भगवान कृष्ण की माँ को वहाँ लाया जाता है, बंदी बनाया जाता है, इसलिए ये स्थान महत्व का है। फिर नेमिशारण भगवान भी यहाँ पर, जो जैनों के 22वें तीर्थंकर हैं, उनकी भी जन्मभूमि यहाँ है। और भगवान स्वयं साक्षात्कार बटेश्वर भगवान, यहाँ असंख्य भगवानों की श्रृंखला, और यह भूमि युद्ध की भूमि है, यह भूमि कर्म की भूमि है, यह भूमि जो है का तीर्थों की भूमि है। पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से नमन करता हूँ, मेरा यहाँ काफ़ी बार आना हुआ है, पर आज इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे मिली तो मुझे अच्छा लगा कि यह भूमि केवल तीर्थों की नहीं, यह भूमि क्रांतिकारी की है, क्योंकि यहाँ पंडित राम विशाल प्रसाद बिस्मिल जिनके सानिध्य में रहे, उन्हीं के परिवार के द्वारा ये मंदिर बनाया गया। गाय जो योगी जी ने कहा है, वास्तव में प्रशासन उसको माने उस चीज़ को नीचे ला नहीं रहा है। योगी जी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कोई गाय की हत्या करेगा तो हम उसको जो है का 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना करेंगे, पर वास्तव में योगी जी ने जो कहा वो प्रशासन उसमें ढिलाई कर रहा है। और प्रशासन वास्तव में यहाँ पर, हो सकता है कि प्रशासन को बड़ी संख्या में पैसा भी आता हो, क्या लोगों को पता, RTI डालें, लोग जानकारी लें तो पता चलेगा एक गऊ के ऊपर योगी जी ने कितना पैसा दिया है, वो पैसा कहीं प्रशासन खा तो नहीं रहा है, डकार तो नहीं मार रहा है कंस की तरह। तो मुझे लगता है कि ये प्रशासन की चूक है जो गाय रोड पे है। योगी जी का अपना प्रयत्न बहुत अच्छा है। नहीं, मेन समस्या ये है कि जो गौशाला बनाई गई है जो बहुत पहले से चल रही है, वहाँ भी गायों की मृत्यु हो रही है और भूख से हो रही है। देखिए, योगी जी तक पहुँचेगा आपका ये जो चैनल, न्यूज चैनल की आवाज़ पहुँचेगी तो योगी जी उस पर चिंतन करेंगे। योगी जी ने हर गौशाला के लिए अनुदान दिया है। योगी जी ने जो है कहा, मैं कोई योगी जी का वो नहीं हूँ, पर जो अच्छा काम कर रहा है मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। प्रशासन नहीं कर रहा है, मूल है प्रशासन जड़। देखिए अभी जो है कहा कितना जो है कहा वो कोरोना में पैसा आया, वो वास्तव में क्या लग पाया? अब वो आटे में गिंडारें निकल रही हैं। मुझे लगता है, मुझे जैसी सूचना मिली कि एक कोरोना जो संक्रमित होता है उसको 5400 रुपये प्रतिदिन, 5400 रुपये तो खर्च भी नहीं हो रहे। तो प्रशासन की बड़ी चूक है। प्रशासन अपने को चिंतन करे कि वास्तव में सरकार को का जो माने वो है क्रिया है, जो सरकार ने प्रतिक्रिया की है, उसको ज़मीन पर ला के सुचारू रूप से कायम किया जाए। तो ये तो प्रशासन ही करेगा ना, हम जैसे लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं और आवाज़ उठाने का काम हमारा है, उस आवाज़ को कोई नहीं कुचल सकता। पर आप सबके माध्यम से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी एक 5वां स्तंभ है इस लोकतंत्र में, आपका भी जो है का बहुत सहयोग है। प्रशासन से पूछो, SDM से, कि वास्तव में वो गौशाला के लिए जो आने वाला पैसा है, जो गऊ मर रही है वहाँ पे चारा नहीं पहुँच रहा है, गऊ का कोई इलाज नहीं करवा रहा है, कोई मर जाती है तो JCB भी नहीं पहुँचती है। वास्तव में ये गौ भक्त, ये हमारे चौहान है, वो लगे रहते हैं गऊ की सेवा में, ये हमारे गोला जी है, बहुत सारे हमारे सत्येंद्र बरुआ जी के नेतृत्व में यहाँ बहुत बड़ा काम अटल गौ सेवा ट्रस्ट बना है, ये वास्तव में बहुत बड़ा काम हो रहा है। पर समाज का सहयोग है, सरकार का सहयोग मिलते हुए भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन उस पैसे को खा रहा है। आप ये मानते हैं कि सरकारी योजनाओं को पूरी तरह पालन नहीं हो रहा और उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्कुल, भ्रष्टाचार नीचे से लेकर कर्मचारी तक कर रहा है। एक टीचर जिस पे कोई वो नहीं था, चार्ज नहीं था, मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, आगरा जिले का विषय है, किसी ने जो है कहा उस पर झूठा आरोप लगा दिया, उस टीचर ने बेचारे ने यातना काटी, उसके बाद में सिद्ध हुआ कि ये गलत मुकदमा था। आज BSA ने वो उसकी जो है का 10 साल की पता नहीं कितने सारे पैसे काट के सैलरी का खत्म कर दी और उसको अपमानित कर रहा है। तो BSA गुंडा है या नहीं है? अब बोलो, पैसा दो। पहले ने जो पहले BSA से उसने 50,000 रुपये ले लिए, अब ये कह रहा है मुझे भी पैसे दो। तो वास्तव में योगी जी तक बात पहुँचाओ, आपका बहुत बड़ा योगदान है ये छोटे छोटे चैनलों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। ये भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए आगरा, भ्रष्टाचार की जननी बन गया है। गाय के पैसे खाए जा रहे हैं, है ना, कोरोना मरीजों के पैसे खाए जा रहे हैं, और क्या है, किसी के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, टेस्ट जो जाता है बेचारा उसके हो जाते हैं, बाकी तो कितने लोग बेचारे बेकार घूम रहे हैं। किसी का टेस्ट हुआ है क्या, आप बताओ ना, आपसे भी पूछ रहा हूँ, किसी का टेस्ट हो रहा है? टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं। जय श्री राम।
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।